और एक प्रश्न और है, उसको भी मैं ले लेता हूं। ओशो हमिंग कहते हैं, जे कृष्णमूर्ति जीवन भर शारीरिक कष्ट में रहे, तेज सिरदर्द होता था उन्हें, कहते हैं कि ये उनके भीतर काम कर रही प्रचंड दिव्य ऊर्जा के कारण था, कृपया इस संदर्भ में कुछ कहें। मत कहिए ऐसा, क्योंकि कई लोगों को बहुत सिरदर्द होता है, माइग्रेन से पीड़ित रहते हैं, तो कल को उनके पास भी यही उत्तर आ जाएगा कि प्रचंड दिव्य ऊर्जा काम कर रही है और जय कृष्णमूर्ति वाली स्टेज हो गई है हमारी, आजकल बहुत सिरदर्द होता है। जय कृष्णमूर्ति का शरीर कमजोर रहा होगा, हर शरीर की अपनी बनावट होती है, हर बॉडी माइंड की अपनी संरचना होती है, सबका अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, होता होगा सिरदर्द उनको, ये दिव्य ऊर्जा के कारण था ऐसा मत कहें। उनको तो पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ बाद में, पैंक्रियाटिक कैंसर से मृत्यु हुई, तो दिव्य ऊर्जा सारा ये डिस्ट्रक्टिव काम ही क्यों करेगी, वो कुछ कंस्ट्रक्टिव काम भी तो कर सकती है। अगर हम उसको दिव्य ऊर्जा कहेंगे तो दिव्य ऊर्जा तो सृजनात्मक कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। जब शरीर में आई प्रचंड दिव्य ऊर्जा तो जो दर्द जो समस्याएं थी उनको मिटा गई और हील कर गई, होना तो ये चाहिए उल्टा। तो उल्टा क्यों होता है, उस पर थ्योरी ये दी गई, जो कुछ लोगों ने थ्योरी दी जिस पर प्रश्न खड़ा है, कि उनके शरीर में उतनी शक्ति नहीं थी कि उस प्रचंड दिव्य ऊर्जा को वो एडजस्ट कर पाते, तो केवल उसको एडजस्ट करने के लिए शरीर ऐसी मुश्किल में चला जाता था कि शरीर में इतनी पीड़ा हो जाती थी, कभी कभी इतनी पीड़ा हो जाती थी कि वो सिर अपना दीवार पर पटक देते थे। मैंने पढ़ी ये बात, मैंने उनकी बायोग्राफी में बात पढ़ी, तो मैं सोचता रहा काहे को पटक देते थे, गोली भी तो खा सकते थे, भाई सिर में दर्द हुआ, जो आपको अवेलेबल मेडिसिन थी सिर की दर्द की वो खाइए, दीवार पे पटकने से तो और सिर दर्द आपका बढ़ेगा ही, उसमें कोई सुधार तो होने के चांसेस नहीं, लेकिन वो परेशान होते होंगे, कर देते होंगे। कृष्णमूर्ति देखा जाए एक फ्रेजाइल चाइल्ड थे, कमजोर बच्चे थे, जब वो थियोसॉफी में गए तो उनका शरीर मैं समझता हूँ उतना सशक्त नहीं था, और फिर इसी कारण से उनके अंदर तमाम चीज़ें चलती चली गई होंगी। दिव्य ऊर्जा के कारण उनके साथ शारीरिक घटनाएं घटती थीं, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि लॉजिक क्या देते। थियोसॉफी के लोग तो सब रहस्य में चल रहे थे, ये सब रहस्य घट रहा है और वो मास्टर्स की अदृश्य गुरुओं की ऊर्जा काम कर रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सारा मंबो जम्बो उनके पास था। अब वो कृष्णमूर्ति को भी क्या उत्तर देते, तो मैं समझता हूँ ये उत्तर एक गढ़ लिया गया कि नहीं बर्दाश्त हो रही है तुम्हारे शरीर से वो प्रचंड दिव्य ऊर्जा, इसलिए शरीर तकलीफ में है। तो आपको एक तरह से एक हिप्नोटिक सुझाव हो गया, आप थोड़ी देर शांति से बैठ सकते हैं, बाकी जितना ट्रीटमेंट संभव हो वो कराना चाहिए, हो सकता है कराया भी गया हो उनका। अब पैंक्रियाटिक कैंसर में तो देखिए वही हुआ ना, जब उनको कैंसर हुआ तो उसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसका उनको जो भी दर्द या वगैरह हुआ। महत्वपूर्ण ये नहीं था कि कृष्णमूर्ति को सिरदर्द हुआ, शारीरिक कष्ट हुआ या उनको कैंसर हुआ, महत्वपूर्ण था उनके भीतर का वो शांति और प्रसन्नता का स्रोत, वो उनकी अनब्रोकन पीस ऑफ माइंड, वो महत्वपूर्ण थी। दिव्य ऊर्जा अगर हम कहें ये शब्द, तो उसका परिणाम तो ये शांति होना चाहिए, उसका परिणाम प्रसन्नता होना चाहिए। ये दिव्य ऊर्जा कुछ ऐसा करती है कि शारीरिक कष्ट दे दिया, किसी की तीसरी आंख फोड़ दी, किसी का दिल धड़कना बंद करा दिया, तो किसी को कैंसर दे दिया, ये मान्यताएं हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे पास उस बात का उत्तर नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमें उत्तर नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये एक अम्ब्रेला आंसर दिया जा सकता है, दैट्स ऑल। बाकी कृष्णमूर्ति बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति थे और बहुत ही उनका जो काम था मनुष्यता के इतिहास में वो अतुलनीय है, अनूठा काम है, हम उस सबकी तरफ ध्यान दें, और उनका शरीर जिन बातों से गुजरा वो उनके शरीर की संरचना के कारण था, वो सबकी अलग अलग होती है, उसमें हमको दिव्य ऊर्जा और ये सब जो रहस्यमय बातें हैं इनका कोई भी समावेश नहीं करना चाहिए।